तो है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और कल है एनिवर्सरी, तो इसके लिए हम लोग ले लिए केक। और केक तो मेरे तरफ से था, लेकिन अब एक साथ जा रहे थे तो इसीलिए ले लिए। छुपाने का सिचुएशन नहीं है, बिकॉज छुपाएंगे तो केक नहीं मिलेगा। टाइट सिचुएशन में केक नहीं मिल पाएगा, केक क्योंकि केक ना शाम को अगर मंगाते ना तो ब्लैक फॉरेस्ट नहीं मिलता, खत्म हो जाता। इसीलिए हम अभी लेके चले गए, दुकान खुल रहा है, हम केक उठा के ले जाते। तो चलो जाते हैं घर, बहुत धूप है। केक ले लिए हैं और बाबू को यही केक तो कट कर सकते हैं ना, ज़्यादा कुछ तो करेंगे नहीं, केक तो काटेंगे ही, पता है इतना, तो इसमें छुपाने का क्या। अब देखो बोरा आ रहा है, चलो जाते। बहुत देख सकते हो काफ़ी दुख की बात है, मुझे आज रोना आ रहा है। अनियन कट कर रहा है, मुझे कोई नहीं रुला सकता। सिर्फ मुझे ऑनियन रुला सकता है, कितना रुलाया सोचो। वहां से यहाँ भाग के आया, पहले मैं भाग के नहीं आया, चलो चिकन बना रहे। तो कल एनिवर्सरी है, तो एनिवर्सरी कल है, कल हमारा का स्कूल भी, स्कूल छुट्टी नहीं है। तो देख सकते केक भी ला के रख दिए पहले से, क्योंकि कोई नहीं है यहाँ पे, बहन जा चुकी है गांव शादी के लिए। बहन का नहीं, किसी और का है, किसी और दीदी का शादी है, दीदी का शादी है, तो कोई नहीं ला देगा। अच्छा, मुझे सर्दी वर्दी नहीं है, ये आँख से निकल रहा था, नाक से भी निकल गया। तो दीदी का शादी है, दीदी का शादी में गई है, तो कोई ला नहीं देगा मुझे। और रात को जो कि बोले मिलता नहीं है जल्दी, केक फिनिश हो जाता, ब्लैक फॉरेस्ट फिनिश हो जाता, बाकी मिलता मुझे, बाकी हम लोग को पसंद नहीं है, इसीलिए ब्लैक फॉरेस्ट ही पसंद है, तो इसीलिए लेते हैं। ऐसे केक तो काटना ही है, क्या ही है छुपाना, क्या ही सरप्राइज। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, इसका रीज़न आप लोग को आने वाले कुछ टाइम में पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम एक रुपया भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे। हाँ, बाबू को अगर कुछ इन दिनों में कुछ भी खरीदना होगा तो वो मेरे तरफ से हम उसको, बाबू को वो सामान का जो पैसा है वो पे कर देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा हम कुछ भी गिफ्ट विफ्ट खरीदने नहीं जाएंगे, क्योंकि बाबू के पास भी सब है, मेरे पास भी सब है, तो हम पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल हमारा तो अभी आजकल अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, कुछ खिला उला देते हैं अच्छा सा बना के, तो एनिवर्सरी फिर कुछ ना बनाए ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो हम बना रहे हैं चिकन का रोस्ट बना रहे हैं, ठीक है, चिकन रोस्ट। उस दिन का चिकन रोस्ट अच्छा नहीं बना था, क्योंकि पीसेस अच्छा नहीं था, इसीलिए कोई खा नहीं पाया था। लास्ट में हम और हमारा फिनिश कर दिया था, उसको खा नहीं पाया था, ऐसा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो पीस ही नहीं पसंद है हम लोग को, तो फिर हम लोग वो खाएंगे कैसे। तो आज बना रहे हैं, अच्छे वाले पीस लेके आए हैं, स्पेशली चिकन रोस्ट के लिए लेके आए हैं, और हम उसको मैरिनेट करके रख दिए। चलो एक बार आप लोग को दिखा देते हैं, उसके बाद का प्रोसेस फिर आप लोग को दिखाएंगे। अच्छा ही बनने वाला ये वाला, क्योंकि जो जिस तरह का से बनता है, तरीका से बनता है, उस टाइप से पूरा मेन प्रोसेस में बना रहे हैं। एक तरफ मैंने दाल बस सीटी लग चुका है, भात बस बन रहा है, ये दोपहर का खाना। और कल तो अपनी पूजा करते करते, उसके बाद अमायरा का स्कूल करते करते टाइम नहीं मिलेगा, और अमायरा का एग्जीबिशन शो का ड्राॅइंग भी इनकम्प्लीट है, तो उसके लिए भी उसका इसी बीच में एक क्लास को भी अटेंड करना, उधर भी। तो हम एकदम ही फ्री नहीं है, बस मंडे को पूरा ही टोटली फ्री है, स्कूल स्पेशल सब छुट्टी, मतलब स्कूल ड्राइंग क्लास सब छुट्टी, उस दिन ही फ्री है, इसके पहले हम एकदम फ्री ही नहीं है, बिजी है। तो चलो इसके लिए क्या करें, तो आज ही हम लोग कुछ बना के खा लेते हैं, शाम को बाबू को खिला देंगे, कल के बदले का आज खिला देंगे। कल मेरे से होगा नहीं, क्योंकि उसका ड्राइंग क्लास कल भी हो सकता है या फिर फ्राइडे को भी, तो मेरे पास टाइम नहीं बनेगा उस तरह से। तो हम आके पहले 20 मिनट टिफिन करके 20 मिनट लेट लिए थे, अभी थोड़ा सा इसलिए आँख खुला हुआ, नहीं तो कल तो झूल के गिर रहे थे। तो 20 मिनट आँख बंद करने की वजह से अभी हम पूरा अच्छे से फ्रेश है और खड़े हैं। और चलो अभी हम चिकन के लिए, घर का जो चिकन बनेगा नीचे ग्रेवी थोड़ा सा ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे चिकन, क्योंकि गर्मी लग रहा है और खाने का मन बिल्कुल नहीं होता इतना बनाने के बाद। मेरे साथ ही ऐसा होता है, बाकी के साथ पता नहीं, जो बना लेते हैं ना जब ज़्यादा कुछ भी अच्छा से, तो वो फिर खा नहीं पाते हम, ये हम मेरा मन उठ जाता है फिर। और इसका बनाएंगे चिकन रोस्ट, जो कि पूरा अच्छा ही पीस है ना, पीस बोल रहा है, अच्छा पीस है, तो इसका सभी खा लेंगे। तो इसमें हम लगा चुके हैं, बता देते हैं, नमक दिए हैं टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी मरीच पाउडर दिए है, नमक हल्दी, हाँ नमक दिए, हल्दी दिए थोड़ा सा, और कश्मीरी लाल मिर्च दिए, तो उसको कलर बहुत अच्छा है। तो उसका अभी फर्स्ट स्टेप करेंगे, जो कि हम उसको दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो चलो हम पहले थोड़ा अपना चिकन का ग्रेवी का मसाला रेडी कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑयल डाल दिए, हम बना रहे हैं सरसों तेल में, ठीक है। और हाँ, जिसको बंगाली समझ में आता, हिंदी नहीं आता, तो आप लोग कमेंट करना, तो प्लीज़ बीच बीच में बता दिया करेंगे। और ऑयल गर्म हो गया, हम सरसों तेल में बना रहे हैं,
जिसको किसी और तेल में पसंद है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है सब्जी सरसों तेल में ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसको हम, ये मेरा फर्स्ट मैरिनेट किया हुआ, कम से कम इसको 5-7 मिनट रखेंगे, बस इतना ही काफ़ी, इससे ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि सेकंड मैरिनेशन पे इसको ज़्यादा देर के लिए रखना है मुझे। तो फर्स्ट मैरिनेशन मेरा हो चुका है, उसको हम इसमें डाल दें ऑयल में, इसको 70% बस कुक करना है ऑयल में, सिर्फ ऑयल में, यहाँ देख सकते हो, इसको इसमें डाल के अच्छे से इसको इसमें पका लेंगे, और ये 70% तक कुक करेंगे, बाकी का जो भी वो रोस्ट होगा, नहीं तो उस दिन का मेरा कुछ कुछ पूरा सब खराब हो जाएगा। तो ये तो 4 पीसेस है, 2 बाबू का, 1 महीना का, 1 मेरा, ठीक है, बस इतना ही। इसको कर लेते हैं अच्छे से फ्राई, तो इसको हम लोग इस प्रोसेस में निकालेंगे। तो ऊपर से ये पूरा सॉफ्ट हो चुका है अच्छे से, अभी से ज़्यादा कुक करेंगे तो यहाँ पे ये टूटने लगेगा, तो ये टूटने से पहले निकाल लेते हैं इसको, आप मैरिनेट पे चलते हैं। तो आप लोग देख लिए यहाँ पे, और ये मेरा चिकन में हम डाल चुके हैं दही, और हमारा दही है वो भान वाला, क्योंकि वही दही सबको पसंद है घर में और वो अच्छा रहता है ऐसे भी। और चलो मेरा जितना भी स्पाइसेस है इसमें डालने के लिए हम वो सब ले चुके हैं। मेरा मिर्ची यहाँ पे हम कम लिए, आप लोग चाहे तो अपना ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि मेरा भी खा के तो तीखा ज़्यादा नहीं बनाना। चलो बता देते हैं, यह है नमक टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नमक देखिए इसको फ्राई कर चुके हैं, इसलिए कम ले रहे हैं, दही है इसीलिए ले रहे थोड़ा नमक। और ये हमारा चाट मसाला मिक्स हो चुका है, चाट मसाला, ये कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी, ये है अमचूर पाउडर, और ये है मेरा ब्लैक पेपर मरीच पाउडर, और ये है मेरा थोड़ा सा गरम मसाला, ये है थोड़ा जीरा पाउडर, बस ये इतना सारा इसमें है। और यहाँ पे मेरा ये दही है चिकन के हिसाब से लिए है, और इसको इसमें डालकर इसको पूरा अच्छे से मिला लेते हैं एकदम अच्छे से मस्त। और इसमें डालेंगे एक और आधा सा नींबू का रस डालेंगे, और वहाँ पर मेरा कोयला है, जो कोयला मेरा जला रहा है उसको इसमें स्मोकी सा फ्लेवर देंगे, जो कि आप लोग को दिखाते थोड़ी देर बाद। यहाँ पर हम इसको सेट कर चुके हैं, मेरे पास जगह नहीं था, और ये छोटा डब्बा का घी था एक, उसमें से डाल रहे हैं, बड़ा वाला को हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो अभी इसका धुआं निकलेगा, ये मेरे चिकन को पूरा रोस्टेड वाला स्मोकी फ्लेवर देगा। तो चलो इसमें घी डाल दिया, अब इसको फटाक से ढक देते हैं, ये अपना काम इसके अंदर करेगा। सो हे गाइस, हम बनाए नॉन वेज और वेज एक बार भी नहीं बनाया, तो चलो वेज वालों के लिए भी हम एक वेज का रेसिपी शेयर कर रहे हैं, और एक आध दो दिन बाद फ्री होने के बाद और एक वेज का रेसिपी देंगे, ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा इसीलिए नहीं बना रहे। तो वो वाला, तो जो लोग वेजिटेरियन है जिन्हें पसंद नहीं है ये चिकन वगैरह एक जो मतलब खाते ही नहीं है, तो उनको वो अच्छा लगेगा। फिलहाल अभी एक जो बना रहे हैं साथ में वो भी अच्छा लगेगा। चलो एक नज़र इसको भी देख लो। यहाँ पर मेरा सेम मसाला था जो अब तक देख के आए हो चिकन वाला, चिकन में जो भी अगर स्किप किया हो तो उसको बैक में जाके देख लो क्या क्या मसाला ऐड किए थे। ये सारा मसाला का इसको हम एक जगह मिक्सर बना चुके हैं, वो सेम मसाला जो चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखे थे सेम है। और इसमें बस हम एक ऑनियन डाले हैं, जो लोग ऑनियन एकदम ही नहीं खाते हैं, ऑनियन भी नहीं खाते वो लोग ऑनियन को स्किप कर सकते हैं, पर हम इसमें स्क्वायर पीसेज में ऑनियन दिए हैं, आधा ऑनियन मतलब दिए, ज़्यादा नहीं दिए। और बना रहे इसमें गोभी का, तो ये ऐसा हो गया देख के कुछ कमेंट मत करना, क्योंकि जितना बर्तन कम निकले अभी मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि हम बहुत थके हुए हैं, जल्दी से भी अभी जल्दी से क्या, अंदर एक गमला कपड़ा धोना है मुझे। तो चलो इसमें ये गोभी को हम थोड़ा सा बॉईल कर लिए थे, ठीक है, ये आधा सीख चुका है मतलब सॉफ्ट सा हो चुका है, बाकी का ये अभी रोस्ट होगा, ये भी रोस्ट होगा, ठीक है। तो इसको इसमें हम मिलाकर, और उसमें मेरा वहाँ पे जो चिकन का जो स्मोकी करने के लिए रखे हैं ना, स्मोकी फ्लेवर के लिए, वो कोई चारकोल बोलते हैं, कोई कोयला बोलते हैं, तो हम तो कोयला ही जानते हैं आज तक, तो उसको इसमें डुका देंगे, मतलब इसको भी थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि गोभी है सिंपल तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना, अगर थोड़ा सा स्मोकी सा फ्लेवर आएगा तो और मस्त आएगा। और जो लोग कोयला पे ही बनाते हैं वो लोग के लिए तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन अभी के टाइम में तो कोई कोयला पे खाना बनाता नहीं है, तो इसीलिए कोयला से हम लोग उसको स्मोकी सा फ्लेवर करते हैं। तो इस सबको इसमें कोटिंग कर लेंगे अच्छे से, तो हम एक हाथ से निकल पा रहे, बर्तन भाग रहा मेरा, कोना भी स्टैंड लाने जाएगा, इससे अच्छा हम हाथ से निकल रहे। तो इसको अच्छे से मिलाकर इसको फिर से इसमें कोयला वाला जो प्लेट मेरा यहाँ पर रेडी है, बहुत अच्छा से स्मेल आ रहा है इसमें, क्या ही बताए, इतना अच्छा स्मेल आ रहा ना पूछो मत। देखो यहाँ पे ऑयल भी छोड़ चुका है, मतलब हीट हो चुका है, अभी भी इसमें स्मेल आ रहा है, इसको थोड़ा देर के लिए उसमें भी बैठाएंगे, क्योंकि दोबारा कोयला को जलाना अभी फिर टाइम लगेगा। तो चलो इसको जल्दी से करके उसका प्लेट इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। बैड लक, मेरा कोयला पड़ चुका था पूरा ठंडा, क्योंकि मेरा घर का खाना बन चुका है अभी, ये तो शाम का स्नैक्स है, तो ये भी तो मुझे ही करना है, ठीक है। तो
मेरा कोयला पड़ गया था ठंडा उसमें ही होते होते, तो अभी क्या करें लास्ट में, तो उसको फिर से रख दिए वहाँ पे जलने के लिए, वो फिर से जल रहा है, वो घी डाला हुआ बोल के उसका आग निकल रहा है, इसके पहले वो आग नहीं निकल रहा था, मुझे और भी हीट होना था, बहुत देर तक रखे थे, इस तरह का हीट नहीं हुआ था, अब शायद हो जाएगा, तो फिर से दोनों में एक बार डालेंगे। चिकन में आ रहा है बस थोड़ा सा हल्का आ रहा सामने से स्मेल लिया, बहुत मज़ा टेस्ट आ रहा है, एकदम मज़ेदार टेस्ट आ रहा है। अभी उसको रोस्ट करना बाकी है, रोस्ट वाला प्रोसेस भी एक है, वो भी अभी शेयर करेंगे थोड़ी देर बाद, जब वो लोग खाने के लिए रेडी होंगे तब फिर ही तभी करेंगे, गरम गरम रोस्ट करेंगे, तो उसमें भी ये भी बाकी है बहुत सारा प्रोसेस, तो उसको मिस मत करना, ठीक है, बने रहो एंड तक। तो चलो इसको जल्दी से गर्म करके फिर से इस गोभी में भी हम डाल देते हैं, जो लोग तो चिकन खाते नहीं उनके पास तो चिकन होगा ही नहीं, तो बोलना मत कि उसका इसमें डाल दिया, हम लोग दोनों ही खाते हैं चिकन, वेज नॉन वेज दोनों ही खाते हैं, तो इसीलिए क्या फ़र्क पड़ता है, उसका पड़ता नहीं इसमें घुसा दिया तो वैसे भी ये शाम को बाबू सर स्नैक्स में उड़ा लेंगे, बाबू को डाइट लेना है और जिम कर रहे हैं, खाना कुछ और खा नहीं रहे तो भूख लग रहा है, तो इसीलिए रेडी कर रही है सब चीज़। तो चलो जल्दी से कोयला बस जल ही जाएगा, बहुत जल्दी जल जा रहा है, दोबारा से हम उसको चिकन में भी ट्रांसफर करने वाले हैं, नहीं तो पहले उधर पहले फिर इधर करेंगे, तो मेरा यहाँ तक का प्रोसेस हो चुका है। चलो जल्दी से बर्तन धो के जाते हैं, एक गमला कपड़ा धो के नहा के उसके बाद आते हैं, अभी भगवान जी का भी कपड़ा धोना बाकी नहीं है, नया ड्रेस पहनाए थे भगवान जी को कि एनिवर्सरी है, चलो भगवान जी को भी सजा दे, अपने ही क्यों सजे, भगवान जी को भी सजाना ज़रूरी है, तो ये सोच के कर तो लिए थे, अभी तक कपड़ा नहीं धोए भगवान जी का, तो चलो वो भी काम मेरा बाकी है, वो सब भी करेंगे अभी, फिर यहाँ पे सैलेड के लिए मेरा सब निकला हुआ है, ये सब को भी काटेंगे, थोड़ा सा बर्तन है उसको जल्दी से धो लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये बना रही है मेरे लिए डाइट चिकन रोस्ट, क्या बना तो वीडियो अच्छा नहीं आएगा, तो मैग्नेट करने के लिए दी हुई थी, कितना देर दी थी मैग्नेट के लिए, तो ये ये कितना मेहनत किसके लिए, ये एनिवर्सरी है इसीलिए कल है ना, तो हम आपको कल टाइम मिले क्योंकि हम लोग का परिस्थिति बहुत खराब है, हमारा 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 का स्कूल का चक्कर में, ये भी एकदम रेडी है, बस रोस्ट होने का दिन है, अच्छा लग रहा है आज का रोस्ट वाला एकदम, उस दिन का पीस अच्छा नहीं था, बोल के अच्छा नहीं लगा, आज तो ड्रम स्टिक लेकर आए ना इसीलिए, बहुत बहुत सुबह को उठने के बाद इतना कुछ करना ये तो बहुत बड़ा बात है, तो फाइनली हम लोगों का 7 इयर्स कंप्लीट होने वाला है कल का दिन, हम लोग इस बटर को थोड़ा सा गर्म कर लिए थे, अब इसको करेंगे ऑयलिंग, ऑयलिंग इसका कलर आएगा मज़ेदार, पर ग्रीन चटनी खाली नहीं बनाए हैं, ज़्यादा चटनी नहीं खाना है, नहीं नहीं हम ऐसे ही सिंपल ऑनियन के साथ खाएंगे, हाँ ऑनियन में नींबू डाल दिए है, अच्छा रहेगा, हजम हो जाएगा जल्दी, जो चाहिए मुझे डाइट एकदम देख सकते हो एकदम, चलो इसको दिखाते हैं, तो जाते जाते बाबू अभी खा के रिव्यू देंगे कैसा बनाए हैं, डॉक्टर हमेशा अपना रिसर्च चूहा बिल्ली पे करता है, हाँ वो पापा के लिए पैकिंग हो गया है, इधर वाला छोटा सा टुकड़ा चिकन का, इधर मायरा के लिए है और मेरे लिए, तो इसमें से बाबू टेस्ट करके बता रहे, खाली ग्रीन चटनी रहता है तो ना, नहीं इतना कुछ नहीं बोला, अच्छा कुछ बोलो मेरे लिए, खाली सिर्फ मेरे लिए, खाना के लिए नहीं बोल रहा, ना कि उस बार जैसे बोलोगे कि पीस अच्छा है, पीस अच्छा और बना भी अनयूनिक है, अमचूर पाउडर नहीं था सब डाले इसमें, स्पाइसी ट्राई हो गया था, ये वाला क्या सॉफ्ट है, इसमें सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस इसका बनाने का दो प्रोसेस से बनाया, आपको पता क्या, एक नहीं दो प्रोसेस से बनाया, अब मेरा मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट क्या होगा, हम आपको खट के खिलाए, मेरा टाइम नहीं है फिर भी आपके लिए खटे, जाओ जाओ कुछ नहीं बोलेंगे, जाओ ऐस करो ऐस करो, मामा मामा इधर आओ खाओ आप, तो चलो हमारे हस्बैंड जी का रिव्यू यही था और मेरा काम ही है, बना के ही खिलाएंगे, बहुत मैंने बहुत अच्छा लगा, मुझे पता रेसिपी देखना है तो पूरा देख लेना, पूरा ब्लॉग देखना आप देखना।
मुझे देखना नहीं पड़ेगा, मेरा फॉलोअर्स को देखना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि मेरे लिए बनाने के लिए तुम हो। देखो तो जिनको खाना है वो उनको ब्लॉग देखना पड़ेगा। चलो कैसा लगा? ज्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा मेहनत है बस, थोड़ा सा जो लोग नहीं बनाते डेडिकेशन होना पड़ता है, क्योंकि विदाउट डेडिकेशन होता नहीं है। सुबह को उठी है, शाम को अभी 6:12 अभी भी नॉन स्टॉप चल रही है। 12 घंटा का ड्यूटी कंप्लीट कर चुके हैं, अभी भी और 8 घंटा का ड्यूटी है मेरे पास, लेकिन अभी और 8 घंटा करना नहीं है, पहले 1-2 घंटा सोना है।